अब हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्सो एसिड की बात करते हैं। तो देखो सल्फर के ऑक्सो एसिड में नाम आता है H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड, फिर आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आता है हमारे पास H2S2O8 मार्शल एसिड, फिर आता है आपके पास H2S2O7 आपके ऑक्सो एसिड है। नाम क्या है इनका? इसको सल्फ्यूरस, इसको सल्फ्यूरिक, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सो H2S2O7 को पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसको ओलियम भी कहते हैं, ओलियम याद कर लो भैया, ये ओलियम बहुत काम आता है। तो H2S2O7 जो है ना ये बहुत काम आता है, डायरेक्टली काम आता है, तो प्लीज आप इसको याद कर लो। कहां से बनाया जाता है? आप H2SO4 लो, उसकी रिएक्शन SO3 से कराओ, आपको क्या मिल जाएगा? H2S2O7 मिल जाएगा। इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ओलियम भी कहते हैं, काम आता है भैया कॉन्टैक्ट प्रोसेस में।